नमस्कार, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। कांच की चूड़ियाँ खुशियों की खनक लाती है, लेकिन इन्हीं चूड़ियों के मशहूर शहर यानी कि यूपी के फिरोजाबाद शहर में एक दुल्हन की चूड़ियाँ सड़क पर बिखर कर रह गई। शादी के जोड़े में ये लड़की किसी से बचकर भाग रही थी, लेकिन क्यों? आखिर उसे किसने अगवा किया था? वो शख्स जिसके लिए वो शादी के जोड़े में भागी थी, या फिर कोई और ही था जो उसे जबरन उठाकर ले गया था? और क्या चाहता था वो? आखिर कौन थी ये लड़की? कैसे वो इन हालातों में पहुंची और आगे क्या होने वाला था उसके साथ? कहाँ है आप? सब लोग पूछ रहे हैं और मैं। अरे भाई पहुँच रहा हूँ। वो जया बिटिया के लिए जो मैंने अपने हाथों से चूड़ियाँ बनाई थी ना, वो दुकान में रह गई थी। आप जल्दी आ जाइए। बस पहुँचा समझो। हेलो नमस्ते। वो पापा नहीं आए? एक मिनट, जरा हाँ, जरा इधर आइए। एक मिनट। मेहमान पूछ रहे थे, मैंने तो कह दिया सबसे कि जया अपनी सहेलियों के साथ ब्यूटी पार्लर गई है, पर कब तक छुपाएंगे? कब से गए वो? एक घंटे पहले देखा था, फिर मैं अपने कामकाज पे लग गई। वापस आकर देखा तो वो अपने कमरे में नहीं थी। पूरा घर छान मारा पर कहीं उसका कुछ पता नहीं चला। सहेलियों से पूछा, कहीं वो ऐसा मत कहो। दुकान पे जाने से पहले तो हम मिले थे उससे। ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो हमारी बेटी है, ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगी वहां। लेकिन लोगों को क्या कहेंगे? हम ढूंढेंगे जाके उसे। जब तक हम वापस नहीं आ जाते तुम किसी से कुछ मत कहना, पगड़ी उछल जाएगी। लड़की का मामला है समझी? मैं आता हूं। पता चला? पूछा आपने किसी से? आसपास की हर जगह, हर नुक्कड़, हर गली में हमने तलाश किया, कहीं कोई पता नहीं चला उसका। और पूछता भी तो क्या पूछता मैं कि हमारी बेटी शादी के मंडप से गायब हो गई, आपने देखा क्या? हमारा तो मन चाह रहा था कि हम चीखे चिल्लाए ताकि वो हमारी आवाज सुन ले। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हूं। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या बताएंगे उन्हें? हेलो पापा जी, प्रणाम। सारी तैयारियां हो गई है ना? बेटा जय जया जया जिसकी बेटी शादी के ऐन मौके पर भाग जाए, उस बाप का क्या हाल होगा? उसकी माँ पर क्या गुजरेगी? उनकी तकलीफ का अंदाजा लगाना मुश्किल है। मंधारी लाल और सिया पूरी तरह टूट चुके थे, क्योंकि आज उनकी अपनी बेटी जया ने उन्हें पराया बना दिया था। अपने माँ बाप के सारे सपनों को तोड़कर, उनकी आंखों में आंसू और शर्मिंदगी भरकर वो घर छोड़कर भाग चुकी थी। मंधारी लाल ने बड़े चाव से अपनी बेटी की शादी के लिए खुद अपने हाथों से चूड़ियां बनाई थी, पर आज वो ये तक नहीं जानते थे कि उनकी बेटी कहां और किस हाल में होगी। बच्चों को प्यार करने के साथ साथ उन्हें समझना भी बेहद जरूरी है। अगर जया के माँ बाप ने उसके मन की बात समझी होती तो शायद आज वो इस तरह से न भागती।
लेकिन अब यहाँ सवाल ये था कि जया ने आखिर ये कदम क्यों उठाया? क्या वो इस शादी से खुश नहीं थी या फिर कोई और वजह थी? क्या अब वो घर वापस आएगी भी या नहीं? और उज्जवल, जिसकी होने वाली पत्नी शादी से पहले ही भाग चुकी थी, उस पर क्या गुजरी होगी? अब ये मामला निजी दुख के साथ सामाजिक शर्मिंदगी का भी हो चुका था। हमें माफ कर दो बेटा, जया के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आप मेरी माँ समान है, प्लीज ऐसा मत कहिए। हमारी बेटी की वजह से तुम्हें भी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। लोग पूछेंगे शादी क्यों नहीं हुई, बारात क्यों नहीं आई, तो हम क्या जवाब देंगे समाज को? आप लोगों की चिंता क्यों कर रहे हैं पापा जी? सबसे पहले हमें ये देखना है कि जया जहाँ कहीं भी हो, ठीक हो, सुरक्षित हो, और आप मुझे अपना दामाद नहीं बेटा समझिए। बेटा, मैंने हर जगह तलाश किया उसे, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गई, कैसे गई। तो फिर हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं बेटे, अगर पुलिस के पास ये बात गई तो सारे शहर को पता चल जाएगा कि मंदारी लाल की बेटी शादी के मंडप से भाग गई। लेकिन पापा जी, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। पुलिस की मदद से हम जल्द से जल्द पता लगा पाएंगे कि जया कहाँ है। दामाद जी सही कह रहे हैं, आप मान जाइए ना। कैसे मान जाऊं मैं सिया, उम्र गुजर गई है मेरी काम करते करते, पैसा कम और इज्जत ज्यादा कमाई है मैंने, पुरखों का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जया जहाँ कहीं भी मिलेगी, जिस भी हाल में मिलेगी, मैं थामूंगा उसका हाथ, अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा उसे मैं, और समाज में कोई भी आप पर या आपके परिवार पर उंगली नहीं उठा पाएगा। लेकिन इस वक्त मुझे प्लीज पुलिस के पास जाने दीजिए। ठीक है बेटा। जी, जया के साथ आज मेरी शादी थी, और बारात पहुंचे उससे पहले ही जया कहीं गायब हो गई। सर, जल्द से जल्द पता लगाइए कि जया कहाँ है, वरना आप तो जानते हैं कि ऐसे मामले अगर समाज में फैल जाए तो इज्जत और आबरू दोनों नीलाम हो जाती है। क्या नाम बताया लड़की के पिता का? जी, मंदारी लाल। उनकी चूड़ियों की दुकान है मेरे गोदाम के पास, मेरी चूड़ियां बनाने की फैक्ट्री है, बरसों से जानता हूँ उनको मैं। ये लड़की जया कब गायब हुई है? जी ये तो नहीं पता, लेकिन बारात निकलने से पहले मैंने उनको फोन किया था और तब जया गायब थी। ठीक है पदम, चलो लड़की के पिता से पूछताछ करते। आखिरी बार मैंने जया को उसके कमरे में देखा था। बहुत सुंदर लग रही है मेरी बेटी, पर एक कमी है, अपने पापा के हाथों की बनी हुई चूड़ियां पहन ले, फिर पूरी दुल्हनिया दिखेगी। मैं मेहमानों को देखकर आती हूँ। हाँ, माँ। क्या हुआ बेटा? फिर उसके बाद मैं अपने कामकाज में लग गई। देखिए सर, हमने हमारी बेटी को हर जगह तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सर, आज तक हमारे घर में पुलिस नहीं आई। हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिली चुकी है, और अभी तक हमारी बेटी का भी पता नहीं लगा। देखिए, अगर आप लोगों को आपत्ति ना हो तो हम जया के कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं। जी देखिए मंदारी लाल जी, पुलिस की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम जया के अतीत के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जी जी पूछिए। जया का किसी लड़के से कोई प्यार मोहब्बत जैसा जी, कुछ? जी 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 नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, और उसने हमसे वादा किया था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, और उसने हमारी कसम भी खाई थी। आपकी कसम खाई थी, इसका क्या मतलब है? सर, ये जया के कमरे से मिली है। कुछ खास नहीं लिखा है, इसमें लिखा है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये शादी नहीं कर सकती। सर जी, ये हाँ तो मंदारी लाल जी, आप कुछ कह रहे थे कि उसने आपकी कसम खाई थी, ऐसा क्या है जो आप मुझे बता नहीं रहे? मैं बताती हूँ आपको। कुछ महीने पहले मैंने उसे किसी लड़के से बात करते हुए सुना था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा वो उस लड़के से प्यार करती है, और उससे पूछने के बाद हमको ये पता चला कि वो लड़का हमारी बिरादरी का नहीं है, और कुछ ज्यादा खास कमाता भी नहीं था, तो ऐसे लड़के के हाथ में अपनी लड़की का हाथ कैसे दे सकता था? मैंने बहुत समझाया उसको, और वो समझ भी गई थी कि आइंदा उस लड़के से वो नहीं मिलेगी, भूल जाएगी उसे, और इस शादी के लिए वो अपनी मर्जी से राजी हुई थी बिना किसी दबाव के। सर, वो लड़का कौन था? अब ना तो मैंने उसका नाम पूछा और ना ही मैंने उसकी शक्ल देखी। आपने? शादी की तैयारियां करते वक्त मुझे उसकी अलमारी से एक फोटो मिली थी। क्या, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? क्या बताती मैं, उसने कहा कि वो उस लड़के को भूल चुकी है, गलती से उसका फोटो रह गया है, फिर मैंने उसकी फोटो ले ली।
आपके पास है वो फोटो अभी? हाँ। लाइए। सर दिखाइए एक सेकंड, मैं तो जानता हूं इसे, ये तो मिथिलेश है। मिथिलेश? आप कैसे जानते हैं इसे? मेरी फैक्ट्री में मजदूरी करता है। छोड़ूंगा नहीं इसे, इसकी जरूरत कैसे हुई मेरी होने वाली बीवी के साथ ये सब करने की? शांत रहिए, और आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। पुलिस ये तो जान चुकी थी कि जया मिथिलेश से प्यार करती थी, यानी कि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी, और शायद यही वजह थी कि वो शादी से भाग निकली थी। लेकिन अब उसका कहीं कोई अता पता नहीं था। पुलिस उसके बारे में सारी जानकारी जुटा चुकी थी, पर क्या वो उसे ढूंढने में कामयाब हो पाएगी? वो घर से तो भागी थी, पर फिर उसका अपहरण हो चुका था, तो क्या मिथिलेश ने ही ऐसा उसके साथ किया था, या फिर किसी और की नजर भी थी जया पर? ये गुत्थी जितनी आसान दिख रही थी उतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं थी। लेकिन फिलहाल पुलिस के लिए मिथिलेश को पकड़ना सबसे जरूरी था, क्योंकि शायद वही एक शख्स था जो सच जानता था। क्या हुआ था? ये आपी का बेटा है? हाँ, क्या मिथिलेश से कोई भूल हो गई क्या? तुम्हारा बेटा मंदारी लाल की बेटी को लेके छू हो गया है। क्या? कहाँ है वो? साहब आपको कोई गलत फहमी हुई? हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है, साफ साफ बताओ कहाँ है वो? साहब मुझे नहीं मालूम, वो ऊपर के कमरे में रहता है, कब आता है कब जाता है, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं साहब। कोई बात नहीं, हम पता कर लेंगे, आ जाओ। देखो पूरा घर छान मारो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, ढूंढो। सर ये दुपट्टा, सर जया के माता पिता के स्टेटमेंट के अनुसार जया ने इसी रंग का दुपट्टा पहना था जिस दिन वो घर से भागी थी। कहां से आया दुपट्टा है? सच सच बताओ मिथिलेश कहां है? साहब हमें नहीं मालूम मिथिलेश कहां है, इस वक्त तो फैक्ट्री में ही होता है। चलो पता, उज्जवल की फैक्ट्री की तरफ चलो। यस सर। मिथिलेश वहीं पे काम करता था, हो सकता है वहां पे लोगों को पता हो कि कहां मिलेगा वो। चलो साहब, मिथिलेश मेरे साथ ही काम करता था, आज काम पर नहीं आया। कोई और ठिकाना है उसका? क्या क्या उसने, आज सब लोग उसी को पूछ रहे हैं। सब लोग? और कौन पूछ रहा था? उज्जवल बाबू और उनके ससुर जी भी आए थे कुछ देर पहले। क्या कहा तुमने उनको? यही कि जितना वक्त वह घर पर रहता था उतना ही वो अपने दोस्त के घर पर भी रहता था, खास करके जब वो नाइट शिफ्ट पर जाता था। उसके दोस्त का घर कहाँ है? जोधा बस्ती में है साहब। ठीक है। रुक जा वरना नहीं छोड़ूंगा तेरे को। अरे उज्जवल, बता जया का है? मैंने तुझे अपनी फैक्ट्री में काम करने दिया और तूने जया को गायब कर दिया। जया मुझे नहीं पता। उज्जवल बाबू रुक जाओ, छोड़ो, आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, इसको तो हम थाने लेकर चलेंगे, वहां उगलवाएंगे। जया कहाँ? बता मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? साहब पूछे ना मेरी बेटी कहाँ है। साहब मुझे नहीं पता जया कहाँ है। झूठ मत बोल, ये दुपट्टा मैं तेरे घर से लाया। ये तो जया का है। ये थाने चलकर बताएगा कि जया कहाँ है। ले चल इसको। जया का दुपट्टा नहीं, कहीं उसने मेरी जया की। बहुत हो गई तेरी नौटंकी, सच बता जया कहाँ है। देख हम तुझे फंसाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सच सच बता दे कि जया कहाँ पर है। तुम दोनों ने भाग के शादी तो नहीं किया ना? सच सच बता दे, वरना सच गुलवाने के हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। बता। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता जया कहाँ है। झूठ मत बोल, जया का दुपट्टा मैं तुम्हारे कमरे से मिला, जया ने अपने फोन से आखिरी फोन तुम्हारे नंबर पे किया था। बोल जया कहाँ है। साहब ये सच है कि जया ने मुझे फोन किया था, ये भी सच है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। साहब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। चूड़ियाँ।
मिथिलेश, मुझे जाना होगा। मैं ये चूड़ियाँ पहनना चाहती हूँ, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए, यूँ चोरी छिपे नहीं। और मैं जानती हूँ कि मेरे पापा हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। आई एम रियली सॉरी, पर मुझे जाना होगा। मैं ये चूड़ियाँ नहीं ले सकती। साहब, हम दोनों अलग बिरादरी से हैं और मैं मजदूरी करता हूँ। जया के माता पिता नहीं माने, और जया अपने माता पिता को दुख नहीं पहुँचाना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे सब कुछ भूल जाने को कहा था साहब। लेकिन उस दिन जब जया की शादी थी तो उसने मुझे फोन किया। मिथिलेश, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं जानती हूँ इस शादी से ना ही मैं खुश होंगी और ना ही उज्जवल जी। क्या तुम उस पुलिया के नीचे आ सकती हो? हम फिर वहाँ से शहर जाकर कोर्ट में शादी कर लेंगे। ठीक है, मैं आती हूँ। तुम मेरा वहाँ इंतजार करना, मैं बस अभी पहुँच रहा हूँ। हाँ ठीक है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ जया नहीं थी। मैंने बहुत देर इंतजार किया, फिर मुझे लगा कि जया नहीं आएगी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जया गायब हो गई है, तो मैं घबरा गया साहब। फिर उसका दुपट्टा तुम्हारे घर से कैसे मिला? मुझे नहीं पता साहब। साहब, मैंने जया को नहीं देखा, मेरा विश्वास कीजिए साहब। झूठ मत बोल। साहब, अगर मुझे जया मिल गई होती तो मैं उसे शहर लेकर भाग जाता। दिन दहाड़े मोहल्ले वालों के बीच में उसे अपने घर क्यों लाता? मैं अपने दोस्त के घर था साहब। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी ने तो देखा होगा ना मुझे जया के साथ। पापा जी, मैं आपके साथ। मिथिलेश से पुलिस सच उगलवा कर रहेगी, आप चिंता मत करिए। कुछ पता चला जया के बारे में? पुलिस पूछताछ कर रही है मिथिलेश से। हमारी बेटी जया का दुपट्टा मिला है मिथिलेश के घर से। पुलिस सब उगलवा लेंगे उससे। हाँ। मैंने पहले ही कहा था आपसे। तो क्या करूं मैं? अरे मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी मेरी कसम खाने के बाद इस तरीके का कदम उठाएगी। मैं तो सिर्फ एक बाप का फर्ज निभा रहा था, खुश देखना चाह रहा था मैं उसे। मुझे क्या मालूम था कि हमें अपनी बेटी खोनी पड़ जाएगी। मिथिलेश के कमरे से मिली जया की चुनरी इस बात का सबूत थी कि जया के भागने से उसका सीधा ताल्लुक था, और इसी आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। वो बार बार यही कह रहा था कि उसे नहीं पता कि जया की चुनरी उसके कमरे में कैसे पहुंची। तो क्या मिथिलेश झूठ बोल रहा था, या फिर जया के गायब होने के पीछे कोई और ही रहस्य था? अगर जया और मिथिलेश यहाँ मिलने वाले थे तो जया को यहाँ तक पहुँचने में आधे घंटे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। सर, मैंने मिथिलेश के दोस्त और उसके मोहल्ले में सबसे बात की, लेकिन किसी ने जया और मिथिलेश को साथ में नहीं देखा। दिन का वक्त था सर, काफ़ी भरा हुआ इलाका है। सर, मुझे लगता है कि अगर वो दोनों साथ होते तो किसी ना किसी ने तो उनको ज़रूर देखा होता। सर, मिथिलेश के बयान के मुताबिक वो सारा दिन अपने दोस्तों के घर पर ही था। अगर मिथिलेश अपने दोस्त के घर पर था तो उसे यहाँ तक पहुँचने में कम से कम एक घंटा लगना चाहिए, मतलब कि जया उससे पहले यहाँ पहुँची होगी। सर, होना तो यही चाहिए था, पर मुझे मिथिलेश ने बताया कि जब वो यहाँ पहुँचा तब जया यहाँ नहीं थी। पदम, हमें भी तो नहीं बताया कि जया यहाँ तक पहुँची थी भी या नहीं। सर, ये टूटी हुई चूड़ियाँ। पदम, फिरोजाबाद है, चूड़ियों का शहर है, किसी भी दुकानदार के हाथ से आते जाते गिर गई होगी, टूट गई होगी, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? पर सर, इस पर खून लगा हुआ है। अगर ये मान भी लिया जाए कि ये जया का खून है तो क्यों? क्योंकि जया तो मिथिलेश के साथ अपनी मर्जी से भागी थी। लेकिन ये सच में अगर जया का खून है तो इसका मतलब है कि जया के साथ में ज़बरदस्ती हुई है, और उसी ज़बरदस्ती में ये चूड़ियाँ टूटी हैं और उसके हाथ का खून इसमें लगा है। अब तेरे खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत तो है नहीं, इसलिए जमानत पर रिहा करना पड़ रहा है। लेकिन सुन, शहर छोड़कर मत जाना। जी सर। साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैं भी पता लगाना चाहता हूँ कि जया कहाँ है। और मैं भी। चल निकल, अभी ले जाओ इसे। जी सर। सर, आपको क्या लगता है, क्या जया को गायब करने में मिथिलेश का हाथ है? पदम, जब तक जया मिल नहीं जाती है, जया से जुड़े हुए हर आदमी पर हमेशा शक, और ये मिथिलेश पर कड़ी नजर रखो। अगर इसने जया को कहीं छुपाया है तो ये उससे मिलने की कोशिश करेगा जरूर। फिलहाल हम लोग जया के पिता से फिर से पूछताछ करते हैं। देखिए, हमने कड़ी छानबीन की है। अगर दिन दहाड़े मिथिलेश जया को अपने ऊपर वाले कमरे में ले गया होता, जहाँ पर हमें वो दुपट्टा मिला है, तो उसके मोहल्ले में किसी ने तो जरूर देखा होता।
अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो दुपट्टा वहां पर कैसे पहुंचा, लेकिन हमें पुरानी पुलिया पर कुछ टूटी हुई चूड़ियां मिली। और इस पर खून भी लगा हुआ है। ये तो मेरी जया की चूड़ियां हैं। उस दिन इसने यही चूड़ियां पहनी हुई थी। देखिए, आप लोग धीरज रखिए, हम जया की तलाश कर लेंगे। आप कब तक दिलासा देते रहेंगे, कब तक? इंस्पेक्टर साहब, आपने मार मार के मिथिलेश की हड्डियां क्यों नहीं तोड़ दी, क्यों नहीं सच उगलवाया उससे? देखिए, हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम उसको रिमांड पर नहीं रह सकते हैं, और इसलिए हमको उसे जमानत पर रिहा करना पड़ा। ये क्या कह रहे हैं सर आप? जिस आदमी के जरिए हमारी बेटी का पता चल सकता था, उसे आपने कैसे जाने दिया? तो अब जया का पता कैसे चलेगा? पुलिस अपने तरीके से काम कर रही है। मिथिलेश पर हमें भी शक है, वो कहीं जा नहीं सकता है। हमारे आदमी 24 घंटे उस पर नजर रखे हुए हैं। सर, मिथिलेश अभी अपने घर पर ही है और हमारे आदमी भी वहीं पे हैं। जब तक मिथिलेश कुछ बताता नहीं है, हम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते। जया का पता लगाने के लिए कुछ ना कुछ गड़ी तो भिड़ाना पड़ेगा। पदम, हम जया का मिनट बाई मिनट ग्राफ बनाते हैं। जया की माँ ने दिन में 11 बजे जया को आखिरी बार यहाँ देखा था। जया ने 11:30 बजे मिथिलेश को फ़ोन किया था। उस समय मोबाइल GPS के हिसाब से मिथिलेश अपने दोस्त के घर पर था यहाँ। ये वो पुलिया है जहाँ पर मिथिलेश और जया मिलने वाले थे। मिथिलेश अगर अपने दोस्त के घर से इस पुलिया पर आता है तो उसे लगेगा कम से कम 1 घंटा, मतलब वो 12:30 बजे यहाँ पहुँचा होगा। उस समय जया यहाँ नहीं थी। सर, जया के घर से इस पुलिया का सबसे नज़दीक रास्ता ये है जहाँ इतने लोग भी नहीं रहते। सर, इस मैप के अनुसार तो जया को 12 बजे इस पुलिया पर आ जाना चाहिए था। और मिथिलेश के हिसाब से जब वो 12:30 बजे यहाँ पहुँचा तो जया यहाँ पर नहीं थी। इसका मतलब है कि कोई और है जिसे जया के बारे में पता था कि वो इस पुलिया पर आने वाली है। या तो किसी ने जया का पीछा किया होगा, या फिर कोई वो जिसे जया के बारे में सब कुछ पता है। एक काम करते हैं पलम, जया की जिंदगी से जुड़े हुए हर शख्स से पूछताछ करते हैं कि वो 11 से 12:30 के बीच में कहां था। कोई तो है जो झूठ बोल रहा है। हाँ सर, इस समय मिथिलेश बस अड्डे पे है सर, लगता है भागने की कोशिश कर रहा है सर। सर, आप कहें तो उसे अरेस्ट कर लें। नहीं नहीं, सिर्फ उस पर नजर रखो। देखो वो कहाँ जा रहा है, हो सकता है वो जया से मिलने जा रहा हो। ठीक है, ठीक है सर। जया को घर से भागे हुए 24 घंटे बीत चुके थे, पर अभी तक उसका कोई अता पता नहीं था। आखिर जया कहाँ थी, किस हाल में थी? पुलिस को अब तक कोई भी पुख्ता सबूत या जानकारी हासिल नहीं हो पाई थी, और किसी भी पुख्ता सबूतों के अभाव में पुलिस ने मिथिलेश को जमानत पर छोड़ दिया। पर क्या पुलिस मिथिलेश के जरिए जया तक पहुंचने में कामयाब हो पाएगी? जया के माता पिता और उसका मंगेतर उज्जवल दर्द और शर्मिंदगी से गुजर रहे थे, तभी इस कहानी में एक नया मोड़ आया। क्या मंधारी लाल की किसी से कोई दुश्मनी थी, या कोई ऐसा था जो जया को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? सर, बाजार में ये अफवाह फैली हुई है कि कुछ वक्त पहले जया ने बीच मार्केट में किसी को थप्पड़ मारा था। कौन था वो? सर, वो तो हमें पता नहीं सर। उज्जवल जी, जिस वक्त जया गायब हुई उस वक्त आप कहाँ थे? देखिए, एक रूटीन इंक्वायरी है, इसलिए हमें आपसे भी पूछताछ करनी पड़ेगी। उस दिन मेरी शादी थी, मैं यहीं पर घर पर था, बारात लेके निकलने वाला था, और कहाँ रहूंगा मैं? मैंने आपके घर में आए हुए लगभग हर मेहमान से पूछताछ की है, किसी ने भी आपको 11:30 से 12:30 के बीच में घर में नहीं देखा। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ठीक से समझ रहा हूँ आपके इस गेम को। आप मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। क्या मेरी मंगेतर गायब है और आप मुझे को परेशान कर रहे हैं? देखिए, मैं आपके इन बेहुदा सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। आपको जो भी कानूनन कार्रवाई करनी है आप कीजिए, लेकिन मैं अब और एक शब्द नहीं बोलूंगा। अरे उज्जवल साहब, आप तो खामखा गुस्सा हो गए, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। खैर, आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप उस वक्त कहाँ थे, शायद आपको याद आ जाए। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू। सर, उसका पीछा करते हुए हम लोग माखनपुर तक आ गए हैं। सर, 5 मिनट के लिए आंखों से दूर हो गया था। सर, फिर वो नजर आ गया दोबारा। सर, लगता है वो फिरोजाबाद वापस जा रहा है। सर, उसका पीछा करो और उसकी हर हरकत को नोट करो। ठीक है सर।
पता चला जया के बारे में? कहाँ है वो? हम तलाश कर रहे हैं। जया के गायब होने के दौरान 11:30 से 12:30 के बीच में आप लोग कहाँ थे? देखिए, ये सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूँ ताकि हमें कुछ तो सुराग मिले, कुछ तो पता चले। और यही सवाल पूछने के लिए हम उज्ज्वल जी से भी मिले थे, मगर उन्होंने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, वो गुस्सा हो गए। ये क्या कह रहे सर आप? हमारे बेटे जैसे दामाद पर शक कर रहे हैं? मंधारी लाल जी, शक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, जरूरी है। 11:30 और 12:30 के बीच में वो हमारे साथ थे। आपके साथ? जी। मगर उस दिन तो बारात आनी थी। क्या ना सर, की लड़की की शादी है और वो भी उज्जवल बाबू जैसे रईस घर में, तो लेन देन की बात करनी थी इसलिए हम उनसे मिले थे ताकि कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। उसके बाद वो अपने घर चले गए और हम दुकान पर जय की चूड़ियां लाने। आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं। अच्छा, एक सवाल और, क्या जया ने चूड़ी बाजार में कभी किसी आदमी को थप्पड़ मारा था? जी सर। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कहीं उसने जया को? हो सकता है। अरे नहीं साहब, वो तो लखन सिंह था, उसने जया के साथ मार्केट में कुछ बदतमीजी की थी, उसके बाद जया ने उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसके बाद वो खुद घर आकर हम लोगों से पैरों पे गिरकर माफी मांगा था। लेकिन सर, ये तो कई महीनों पुरानी बात, उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। कहीं लखन सिंह ने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, वो जहां भी होगी ना ठीक होगी। हमारे और हमारे दामाद जी के बीच में तो कोई लेन देन की बात नहीं हुई थी ना, फिर आपने ऐसा क्यों कहा? और आखिर दामाद जी ने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि उस दिन वो 1 घंटे के लिए? सिया, वो हमारे बेटे जैसे हैं, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे लिए, कहीं फंस गए होंगे। और तुम क्या चाहती हो कि इस पूरी छानबीन में मैं उनका नाम बदनाम होने दूं? सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने पुलिया के दोनों रहते लोगों से बात की, लेकिन किसी ने जया और मिथिलेश को देखा ही नहीं। सर, एक दुकानदार ने वहाँ किसी झगड़े की आवाज़ सुनी। सर, जब तक कि वो दुकानदार बाहर आया, कोई गाड़ी लेके जा चुका था और उसके तुरंत बाद एक और गाड़ी वहाँ से गुजरी। अच्छा, कितने बजे हुआ है सब? सर, यही को तकरीबन 12:30 से 12:30 के बीच। सर, उसने ये भी बताया कि उन गाड़ियों पर चूड़ी के स्टिकर लगे थे। और कुछ? सर, एक गाड़ी का तो पता नहीं, लेकिन दूसरी गाड़ी किसी लखन सिंह की थी, चूड़ी मार्केट में दुकान है उसकी। तुम ही लखन हो? हाँ, क्यों? तेरे क्यों का जवाब तो बड़े साहब थाने में देंगे, चल। अरे साहब, मैंने क्या किया है? याददाश्त वापस दिलाऊं या जया का थप्पड़ याद आ गया? वो तो साहब कुछ महीने पहले की बात है साहब, पर आप इतने दिन बाद मुझसे क्यों पूछ रहे हैं साहब? साहब, हम तो उसे प्यार करते हैं। एक दिन हमने हिम्मत करके दिल की बात बताई तो साहब गाल पे थप्पड़ मार दिया साहब उसने, पर हम नाराज नहीं थे उससे, प्यार जो करते थे हम उससे, पर हम उसका बुरा क्यों चाहेंगे साहब? झूठ मत बोल। साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, इसकी दुकान और मकान में कुछ भी नहीं मिला, इसकी गाड़ी में कुछ मिला? नहीं सर, हमें वहाँ कुछ नहीं मिला। इसका मतलब है कि जया फिर उस दूसरी गाड़ी में होगी। कुछ पता चला वो गाड़ी किसकी थी? नहीं सर, अब तक कुछ पता नहीं चला। वो साहब मैं बताऊँ वो गाड़ी किसकी थी? किसकी? साहब, मैं पुलिया से जा रहा था तो आगे मोड़ पे एक गाड़ी को जाते हुए पीछे से देखा साहब। साहब, मैं तुरंत पहचान गया साहब वो गाड़ी किसकी थी। जया के गायब होने के बाद हमारी हर इन्वेस्टिगेशन में बार बार आपका नाम क्यों आता है? बकवास है ये सब। कहाँ थे आज दिन भर आप? जब आपका फोन आया तब मैं घर पे था और सीधा वहां से यहाँ आया। चिंता के मारे कई दिनों से फैक्ट्री भी नहीं जा पा रहा हूँ मैं। जिस दिन जया गायब हुई है उस दिन 11:30 से 12:30 के बीच में कहाँ थे आप? मंधारी लाल जी ने आपको बताया तो था कि मैं उनके साथ था। उन्होंने बताया था कि तुम उनके साथ थे, लेकिन हमारे पास एक गवाह है जिसने तुमको उस दिन उस वक्त पर उस पुरानी पुलिया के पास देखा। तो पुरानी पुलिया पे जाने से मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? ताज्जुब की बात है उज्जवल जी कि जिस वक्त आप उस पुलिया पर थे ठीक उसी समय जया भी उसी पुलिया पर थी। मैं मंधारी लाल जी से मिलकर वापस लौट रहा था, मुझे क्या पता था कि जया उसके मिलने उसी पुल पर गई। मंधारी लाल ने बताया कि आप उनसे मिलने के लिए चूड़ी बाजार के अपने गोडाउन में गए थे। जी बिल्कुल। वहां से आपके घर की दूरी सिर्फ 10 मिनट की है, फिर भी आपने इतना लंबा रास्ता तय किया अपने घर पहुंचने के लिए, क्यों? शादी का सीजन है सर, उस रोड पर जाम लगा हुआ था, इसलिए घर जल्दी पहुंचने के लिए मैंने पुलिया वाला रास्ता ले लिया। और ये क्या उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं आप उनसे? थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाइए कि मैं अपनी मंगेतर को शादी के दिन क्यों गायब करूं? हमारा कॉमन सेंस तो ये कहता है कि आपको जया और मिथिलेश के बारे में खबर हो गई थी और आपने गुस्से में आकर। झूठ है ये सर, अगर मुझे जया को गायब करना ही होता तो मैं आपके पास कंप्लेंट लिखवाने क्यों आता? आपको जया मिल नहीं रही है इसका मतलब आप मुझ पे कोई भी आरोप थोपते रहेंगे? हेलो, क्या
ठीक है, हम अभी आते हैं, आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। क्यों? आपकी फैक्ट्री की भट्टी में एक डेड बॉडी मिली है। पदम, ये डेड बॉडी तो किसी लड़की की ही लगती है, लेकिन ये जया की डेड बॉडी है इस बारे में कहना अभी मुश्किल है। डीएनए रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तुमने कब देखा इसे? हम सब खाने की छुट्टी पर थे साहब, मैं ये भट्टी संभालता हूँ साहब। तापमान नापने के लिए जब जल्दी आया मैं, तो भट्टी में एक लाश देखा साहब, मैं पूरा शरीर जल चुका था। तुम्हें किसी पे शक है? नहीं साहब। तुमने किसी को आते जाते देखा यहाँ? नहीं साहब, सब छुट्टी पे थे साहब। पदम, तुम लोग बाकी मजदूरों से पूछताछ करो, आसपास के लोगों से पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। जाओ। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी जया नहीं है ना? उज्ज्वल जी, बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है, इसलिए कंफर्म कहना बहुत मुश्किल है कि ये जया है या नहीं, लेकिन लगता है कि ये जया की ही डेड बॉडी है। आई एम सॉरी उज्जवल जी, हमने आप पर शक किया, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय तो आप हमारे साथ थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझ पर शक करें ना करें, लेकिन अगर ये जया की डेड बॉडी निकली तो मैं मंधारी लाल जी और मम्मी जी को क्या जवाब दूंगा? मार डाला मेरी बेटी को, मार डाला मेरी जया को। हमने जया के कमरे से मिले हुए फिंगरप्रिंट्स को लाश के फिंगरप्रिंट से मैच किया है, ये बॉडी जया की ही है। सर कुछ पता चला? एक ऑप्सी अभी बाकी है, लेकिन लाश की पहचान हो गई है, लाश जया की ही है। सर मैंने फैक्ट्री के मजदूरों से बात की, सर उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मिथिलेश को फैक्ट्री के आसपास नशे की हालत में देखा। ये साबित हो चुका था कि उज्जवल की फैक्ट्री से मिली अधजली लाश जया की ही थी, यानी कि जया की हत्या हो चुकी थी और वो भी इतनी बेरहमी से। तो आखिर उज्जवल का इन सबसे क्या लेना देना था? पुलिस को अब असली गुनहगार और उसके हत्यारे तक पहुंचना जरूरी था। मंधारी लाल के दिए गए बयानों के अनुसार उज्जवल उनके बेटे जैसा था, लखन पहले ही अपनी गलती की माफी मांग चुका था और मिथिलेश के खिलाफ एक भी सबूत नहीं था। तो आखिर इन सबके पीछे कौन था और क्या पुलिस मौजूदा सबूतों के आधार पर असली गुनहगार तक पहुंचने में कामयाब हो पाएगी? मैं नशे की हालत में घर नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं फैक्ट्री गया था अपने दोस्त से उसके घर की चाबी मांगने के लिए। जैसे मैं पीछे के दरवाजे से जाऊं, उज्जवल वहां अपनी गाड़ी लेकर गुजर रहा था। उसने मुझे देखा और गुस्से में बहुत मारा साहब। सच सच बोल, कहानी मत बना, उज्जवल कल फैक्ट्री गया ही नहीं, सच बोल वरना मार डालो साहब, फांसी पर चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरी जया ही नहीं रही तो मैं जीकर क्या करूंगा साहब, लेकिन मैंने आज तक जो भी कहा सब सच कहा साहब, सब सच कहा। मिथिलेश कह रहा है कि कल उज्जवल ने उसे फैक्ट्री में पीटा। उज्जवल कह रहा है कि वो कल फैक्ट्री गया ही नहीं था, वो घर से सीधे पुलिस स्टेशन में आ गए। अब समझ में नहीं आ रहा है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। मैं समझा नहीं, आप कह रहे हैं कि जया की मौत कल नहीं हुई? जी, जया की मौत ठीक उसी दिन हुई थी जिस दिन जया गायब हुई थी। जो हाथ जला नहीं था उसमें कांच की चूड़ी के छोटे छोटे टुकड़े इतने गड़े हुए थे मानो किसी ने उसे कांच की चादर पर लिटाया हो। ये भी तो हो सकता है कि जब उसकी लाश को भट्टी में डाला गया हो तो ये टुकड़े तब गड़ गए। नामुमकिन, ये टुकड़े उसकी चमड़ी की मांसपेशियों को काट कर गहराई तक गड़े हुए थे। सर ये एक ही सूरत में हो सकता है, लाश को कातिल ने कांच के चूरे के साथ किसी एयरटाइट बैग में बंद कर रखा हो ताकि बदबू न फैले। जी, और कुछ केमिकल भी उसकी चमड़ी से मिले, ये केमिकल कांच की चूड़ियों में रंग बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब ये है कि जया को जिसने भी मारा है वो कांच की चूड़ियों के बिजनेस से जुड़ा हो सकता है। जी हाँ, सबूत तो इसी ओर इशारा करते हैं। मुझे बस अपनी बेटी को विधि पूर्वक विदा करना, उसका अंतिम संस्कार करना। आप प्लीज संभालिए अपने आप को। उज्जवल बाबू, मिथिलेश तो सच नहीं बोल रहा है, आप क्यों नहीं बोल देते? क्या क्या मतलब है आपका? आप जरा अपनी गाड़ी की चाबी देंगे? इनकी गाड़ी की अच्छे से तलाशी लो, अगर इनकी गाड़ी में जया की बॉडी से संबंधित कोई भी सुराग मिले तो मुझे फौरन खबर करो। ये क्या कह रहे हैं सर आप? बताता उज्जवल बाबू, तुमने कहा था कि कल तुम फैक्ट्री नहीं गए थे। जी नहीं गया था। और मिथिलेश ने कहा कि तुम फैक्ट्री कल गए थे। मिथिलेश गुनाहगार है, झूठा वो है, उसके कहने पर आप ये कैसे बोल सकते हैं कि उज्जवल गुनाहगार है? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ मंधारी लाल जी,
साबित भी करूंगा। ओके, इनकी गाड़ी से जया के खून के धब्बे मिले हैं, इनके गोडाउन में भी उसके खून के धब्बे मिले हैं। उज्जवल बाबू, सच यहां बोलेंगे या घसीट कर थाने ले चलूं तब बोलेंगे? उज्जवल, क्या ये सच है? बताओ। मैंने नहीं मारा जया को, मैंने तो बस मदद की थी। किसकी मदद की थी? किसने मारा उसको? हमने मारा हमारी जया को। जया की शादी उज्जवल बाबू से हो जाए ये हमारे लिए बहुत जरूरी था। कारोबार में घाटे के कारण हम गले तक कर्जे में डूबे हुए थे। इस कर्जे से हमें सिर्फ और सिर्फ उज्जवल बाबू ही निकाल सकते थे। ये लीजिए चेक, आपके कर्जे की भरपाई मैं कर दूंगा। मुझे जया पसंद है, आप बस उसकी शादी मुझसे करवा दीजिए। लेकिन जया मानेगी ना? भूल जाएगी ना उस मिथिलेश को? नहीं सर, ना पड़ेगा। कह दीजिए कि ये सब झूठ है। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मेरी बेटी थी वो, हमारी बेटी, और आपने उसको भी मार दिया। क्यों किया? क्योंकि वो हमारी बेटी थी। उसने हमसे वादा किया था, कसम खाई थी हमारी कि वो मिथिलेश को भूल जाएगी, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमारी जगह मिथिलेश को चुना, धोखा दिया उसने हमें, धोखा दिया। मिथिलेश, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं जानती हूँ इस शादी से ना ही मैं खुश रहूंगी और ना ही उज्जवल जी। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। जया से बात करके उसे प्यार से समझाया भी जा सकता था। मैं गुस्से में था, पर वो नहीं समझ रही थी और मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मैंने उज्जवल को फोन किया और अपने पास बुलाया। उस मिथिलेश के साथ भागने की बात कर रही है वो, और अगर उसने ये कदम उठा लिया और घर की दहलीज पार कर लिए तो क्या करेंगे हम? तो फिर देख लेंगे, जो भी सही लगेगा वही करेंगे। उसके बाद क्या किया तुम दोनों ने? हम लोगों ने देखा कि जया घर से भाग रही है, हम लोगों ने उसका पीछा किया। जया भाग कर पुरानी पुलिया के नीचे जाकर छुप गई। उसे समझाना बहुत जरूरी था, हम सिर्फ समझाने ही गए थे उसे। मिथिलेश के प्यार में पागल हो गई थी वो, मिथिलेश का नाम लेकर बार बार नौटंकी कर रही थी। इस हालत में हम उसे घर कैसे लाते? तुम्हें उस लड़के को बुलाना ही होगा बेटा, वो तुम्हारे लायक नहीं है। ये उज्जवल ही तुम्हारे लायक है। और तुमने तो हमारी कसम खाई थी, फिर क्यों तोड़ दी उसे? अरे क्यों अपने बाप की पगड़ी उछालना चाहती हो तुम? पापा, मैं आपको, माँ को या फिर उज्जवल जी को परेशान नहीं करना चाहती थी, पर मैं क्या करूं, नहीं जी सकती मैं उसके बिना। मिथिलेश मिटा दिया जया के जुबान से मिथिलेश का नाम हमेशा हमेशा के लिए, जो कि हमारी बिरादरी का था ही नहीं। मिथिलेश की वजह से जया मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए जया की मौत के लिए मैं मिथिलेश को फंसाना चाहता था। मैंने ही जया का दुपट्टा मिथिलेश के कमरे में रख दिया था। जब हमने देखा कि पुलिस लखन की दुकान की तलाशी ले रही है तो हम डर गए। तब हमने सोचा कि लाश की बदबू की वजह से लोगों को पता ना चल जाए। मैं लाश को अपनी फैक्ट्री की भट्टी में जलाकर राख कर देना चाहता था। अगर लाश ही नहीं मिलेगी तो जया का खून कभी साबित ही नहीं हो पाएगा। मुझे पता था कि उस वक्त वर्कर्स ब्रेक पे होते हैं, कोई नहीं देखेगा। लेकिन अचानक वर्कर के जल्दी आ जाने से मैं लाश को पूरी तरह जला नहीं पाया। आप कैसे मार सकते हैं अपनी बेटी को? कैसे मार सकते हैं आप अपनी बेटी को? नहीं छोड़ूंगी मैं आपको, नहीं छोड़ूंगी। आपने मेरी बेटी को मार डाला। तुम लोगों ने एक निर्दोष लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती थी, अपनी आजादी से, अपनी पसंद से।
अगर मेरे हाथ कानून से बंधे ना होते तो मैं तुम दोनों की तो इन दोनों को हटा मेरे सामने से। मीना, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं और अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा दामाद ही चुनना चाहते हैं। पर जिसकी शादी है क्या उसे इतना हक भी नहीं कि वो अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला खुद कर सके? और उसे जन्म देने वाले को ये हक किसने दिया कि वो उसके जीने का अधिकार ही छीन ले, वो भी समाज में अपनी झूठी इज्जत के चलते? मंधारी लाल को सिर्फ समाज में अपनी झूठी इज्जत की ही नहीं बल्कि अपने बिजनेस का भी ख्याल था। वो इस शादी के जरिए अपने कारोबार में फायदा चाहते थे। आखिर ये कैसा प्यार हुआ जो अपनी बेटी की खुशियों का सौदा कर रहा था? मंधारी लाल को अपनी बेटी की हत्या करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उज्जवल को इस हत्या में शामिल होने के लिए आईपीसी की धारा 120 बी के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि ऑनर किलिंग के मामले में कानून की सख्ती होने के बावजूद इन हत्याओं और जुल्मों का सिलसिला नहीं रुक रहा। कानून अपना काम कर रहा है पर समाज के नागरिक होने के नाते ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को उनके बच्चों के प्रति ऐसा कोई भी गलत कदम उठाने से रोकें। शिक्षा और जागरूकता के जरिए ही ऑनर किलिंग के इस शर्मनाक अपराध को रोका जा सकता है। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की ऐसी ही बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान।